नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज दिसंबर की 7 तारीख है और मैं अपने भाई बहनों को एक ऐसे बढ़िया प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसकी की कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती और ये खूब सारे रंगों में पाया जाता है। तो इस प्लांट का जो नाम है वो आइस प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। आइस प्लांट इसे इसलिए कहते हैं कि इसकी पत्तियों और फूलों पे इस तरह से बर्फ जमी हुई दिखाई देती है, ऐसे लगता है कि जैसे बर्फ पड़ी हुई हो, तो इसलिए इसे आइस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको लिविंग स्टोन डेजी या फिग मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और भी कई नामों से जाना जाता है। तो ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मोटी और जो स्टेम भी मोटी होती है और अपने आप में वो खूब पानी भरे हुए रखती हैं, तो इसलिए जब इसे लगाते हैं तो इसमें जो पानी है आपने बहुत ही कम देना है। तो ये आप फूल देख रहे हैं, कई तरह के कई रंगों के इसमें ये फूल आते हैं, तो ये इस प्लांट की खासियत है। ये साउथ अफ्रीका का नेटिव है, इसे सितंबर या अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। बट जैसे मेरे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी अक्टूबर में भी कुछ दिनों में रहती है, तो फिर इसे 15 अक्टूबर के आसपास लगाया जाता है। तो ये प्लांट जब हम इसे ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के लगभग 3 महीने में ये फूल देना स्टार्ट कर देता है। तो फूल तो आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं और धूप जो इसे चाहिए होती है, फुल सनलाइट इसे बहुत पसंद होता है और पानी आपने इसे बहुत कम देना है क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और चिड़ियों से इसे खास करके बचा के रखना है। चिड़ियों को इसकी जो पत्तियां हैं बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने इसे थोड़े से जो प्लांट्स इसके मैंने अक्टूबर के शुरू में भी लगाए थे और वो सब मेरी चिड़ियाँ खा गई थी और फिर मैंने दोबारा कुछ ग्रो किए थे अक्टूबर के ही एंड में मैंने ग्रो किए थे। तो मैं अभी आपको वो मैं अपने प्लांट्स भी दिखाऊंगी। तो इसे आप अगर रॉक गार्डन है तो उसमें पत्थरों के आसपास इसे लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से चल सकते हैं चलते हैं। और ये आप इसे शैलो पॉट में भी, हैंगिंग बास्केट बास्केट में भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लटकते हुए इतने सुंदर लगते हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं कितने अच्छे प्यारे हैं। मैंने ये इस तरह से ये पॉट में लगा रखे हुए हैं, तो ये बहुत सारे हैं। मैंने ये लकड़ियों से ऐसे ढक के रखे हुए हैं पूरे, और पहले मैंने इस तरह से लकड़ियाँ दी हुई थी, तो जब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं अब फिर मैंने इस तरीके से लगा दी हैं। तो अब थोड़ी सी ये मैंने कैमरे में ये दिखाने के लिए थोड़ी हटा दी हैं, तो चिड़ियाँ ये बिल्कुल छोड़ती नहीं हैं। पहले वाले प्लांट्स तो वो मेरे सारे खा गई हैं, तो ये अब दूसरी बारी जो ग्रो की हैं। और ये देखा इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार, ये अभी भी दिख रहा होगा। ये आइस प्लांट क्यों कहते हैं ये पता नहीं, मेरे कैमरे में दिख रहा कि नहीं, ये क्रिस्टल जैसे, ये इस पे ये देख रहे होंगे आप, ये वाइट 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 से ये दिख रहा है, इसलिए इसे आइस प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे बर्फ उस पे जमा हो, मैं पता नहीं ठीक से दिखा पा रही होंगी। तो ये तो खूब सारे प्लांट्स हैं, ये जो है ड्वार्फ बुश होती है, बट ये जो मैंने लगाए हैं ये अभी फैलेंगे, खूब फैलेंगे। तो ग्राउंड कवर करने के लिए इन्हें लगा सकते हैं और आप हैंगिंग बास्केट में तो ये खूब अच्छे से लगते हैं, तो पॉट में भी इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने ये इसलिए ज़्यादा अभी रखे हैं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि ये चिड़ियाँ छोड़ेंगी कि नहीं छोड़ेंगी। तो अब ये लकड़ियाँ लगा के मैंने ये पूरे ढके हुए हैं, तो इसलिए ये मेरे बचे हुए हैं। मिट्टी आपने इनके लिए कैसे बनानी है, मिट्टी आपने जो बनानी है वो अच्छे से कंपोस्ट वगैरह डाल के और गोबर की खाद डालने, जैसे कि मैं मिट्टी बनाना हमेशा आपको बताती हूँ कि किस तरह से मिट्टी होनी चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम जो इसके लिए बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी इसमें पानी रुकेगा तो ये फिर प्लांट आपका जो जड़ है इसकी गल जाएगी और ये प्लांट आपके सारे मर जाएंगे। तो ये देखिए, तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, ये खूब कई रंगों में आते हैं, इसके फूल बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बस चिड़ियों से ही हमारे यहाँ तो यही केयर करनी पड़ती है कि चिड़ियों से ही बचाना पड़ता है, बाकी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे पास लास्ट टू लास्ट ईयर का सीड पड़ा हुआ, अभी भी खूब सारा पड़ा हुआ है, तो मैंने और भी कुछ जगहों में लगा रखे हुए हैं और वहाँ पे जो जहाँ जहाँ चिड़ियों की पहुँच में है तो वो उन्होंने खा लिया हुआ है और नीचे के हिस्से इसके रह गए हुए हैं। तो बस आपने यही करना, अगर चिड़ियों आप ऐसी जगह में लगाते हैं
खुले में कि अगर कवर नहीं कर रहे हैं तो ऊपर सीढ़ी वगैरह कुछ है इस तरह से टांग दें, इस तरह से आपके पास कोई सुविधा है तो वो टांग दें ताकि चिड़िया वगैरह ना बैठे। तो मेरे पास इस टाइम कोई सुविधा नहीं है जहाँ मैंने रखे हुए हैं कि सीढ़ी वगैरह टांग के मैं उन्हें डराऊँ, तो मैंने फिर इसलिए ये लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो अब देखती हूँ जैसे ये बड़े होते हैं तो फिर इनमें से मैं कुछ अलग अलग जगहों में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और बस यही चीज़ें करनी है, बस इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए इस प्लांट में, बस ये ध्यान आप रखें। तो इस तरह से ये स्टेम इसकी होती है, ये देख पा रहे हैं ये ऐसे ये, और पत्तियाँ इसकी ये मोटी पत्तियाँ होती हैं, ये मोटी पत्तियाँ इसकी ये। तो अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो अभी आप लगा सकते हैं, गर्मियों से पहले तक जो इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम लोग लगाते हैं तो हम इसी टाइम लगाते हैं, अक्टूबर में, 15 अक्टूबर के आसपास लगाना पसंद करते हैं, और जहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडक पहले आ जाती है तो वो सितंबर में ग्रो कर देते हैं। और जिन जगहों में जैसे बहुत ठंडी जगह होती हैं और जिनकी गर्मी है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि हमारी जो सर्दियों की जैसे शुरुआत होती है, वैसा मौसम होता है, तो वो फिर इन्हें स्प्रिंग में ग्रो करते हैं और उनकी गर्मियों पर ये फूल बने रहते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।